Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आप देख रहे हैं हमारा करंट अफेयर शो जो 7:30 पे डेली आता है आपके लिए। और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, जो हमारे स्क्रीन पर ये रहा। तो कंप्यूटर जी, आपके लिए मोटिवेशनल कोट बहुत जल्दी लगाने वाले हैं। तो इस मोटिवेशनल कोट में ये कहा गया है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ बींग अ बिगनर, नो वन स्टार्ट एट द टॉप। बिगनर होने में कोई बुराई नहीं है, बिगनर होने में कुछ मतलब गलत है ही नहीं है भाई। कुछ भी शुरू करोगे तो पहली बार आपको शुरू करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं होता कि वो टॉप से ही शुरू करता है। मैंने जब अपनी पहली क्लास ली थी तो मैं पूरी क्लास में पोडियम से बाहर, पोडियम जो होता है ना, पोडियम से बाहर आया ही नहीं, क्योंकि मेरे दोनों पैर कांप रहे थे, है ना। तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता कि जो परफेक्ट होता है, नोबडी इज परफेक्ट। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप बिगनर हैं, सीखिए, चीज़ों को समझिए। और बिगनर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको लॉस का डर नहीं होता, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, अपने फैकल्टीज से ज़रूर पूछिए, इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता, वो मेहनत करता है, धीरे धीरे लगा रहता है, धीरे धीरे परफेक्शंस आती हैं। आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पर हम इंडेक्सेस की बात करेंगे। तो अपॉइंटमेंट से लेके एक्स्ट्रा हाईलाइट तक हम सब आपको पढ़ाने वाले हैं आज अपने करंट अफेयर शो में। बने रहें हमारे साथ और हमारे शो को लाइक ज़रूर कर दें। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले पॉइंट के साथ, क्या हमको पढ़ना है। और जाहिर सी बात है कि हम अपॉइंटमेंट पर ही बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारे सामने आ रही है कि उमानाथ सिंह जो है ये फर्स्ट लोकायुक्त बन गए हैं नागालैंड के। नागालैंड के फर्स्ट लोकायुक्त कौन बने हैं? उमानाथ सिंह जी बने हैं। हम इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, उमानाथ जी, याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। देखिए, जस्टिस उमानाथ सिंह टूक ओथ एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ नागालैंड। मैंने हमेशा बोला आपसे कि जहां पर भी फर्स्ट लग गया वो हमेशा एग्जाम के लिए जरूरी हो गया। तो फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ नागालैंड कौन बने हैं? उमानाथ सिंह। उमानाथ में नाथ में एन आर आई एन एन, नागालैंड नाथ, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। चलो, तो जो गवर्नर है नागालैंड के, मिस्टर पी बी आचार्य, तो इन्होंने शपथ दिलाई उमानाथ सिंह जी को कोहिमा में, ठीक। तो ये कोहिमा, ये रहे पी बी आचार्य। तो गवर्नर पी बी आचार्य ने शपथ दिलाई किसको? उमानाथ सिंह जी को, एज अ फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ नागालैंड स्टेट, नागालैंड, ठीक। तो ये पॉइंट आपको लर्न करने हैं। जिस पॉइंट पर मैं टिक कर रहा हूँ वो पॉइंट आपको मैंने हाईलाइट कर दिया, उसी पॉइंट को आपको देखना ध्यान से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या यहाँ पर आने वाला है, देखिए। तो उमानाथ सिंह जी के बारे में बताई जा रही है, ही इज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट एंड विल होल्ड द ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त ऑफ नागालैंड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और टिल द अटेंड द एज ऑफ 70। तो ये मेघालय हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं, और इनका जो टेन्योर होगा वो होगा 5 साल या फिर मैक्सिमम 70 साल। मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर कोई पर्सन है जिसकी एज मान लीजिए 61 है, 62 है, तो 5 ईयर वो कंटिन्यू कर सकता है। अब मान लीजिए उमानाथ सिंह की एज जो है वो 68 ईयर है, तो 69-70 मतलब ये 2 साल ही काम कर पड़ेंगे। मतलब एज ए लोकायुक्त आपका, आपके काम करने का टेन्योर होता है मैक्सिमम 70 ईयर, 70 साल तक आप काम कर सकते हैं केवल। तो ये बात आपको मैंने समझा दी, ठीक है। तो 5 साल या फिर मैक्सिमम एज ऑफ 70, जो भी पहले हो जाएगा तो वो माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
सचिन अग्रवाल, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, बहुत बढ़िया लगा मुझे सुनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो लिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे एक बच्चे ने मुझे अभी मेल किया था कि हाई कोर्ट के मुझे चीफ जस्टिस की लिस्ट चाहिए, तो ये लिस्ट हम लेकर आपके लिए आए हैं। यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपको देखने हैं, तो ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे हैं सारे, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट हो गए, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकायुक्त और लोकपाल में क्या डिफरेंस होता है, लोकायुक्त और लोकपाल में क्या डिफरेंस होता है। आपने कई बार सुना है लोकायुक्त, कई बार सुना है लोकपाल। तो देखिए, जो लोकायुक्त होता है वो काम करता है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल के करप्शंस को ध्यान देता है, और जो लोकपाल होता है ना वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, वो सेंट्रल लेवल के जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके करप्शन को वॉच करता है। लोकायुक्त स्टेट लेवल, लोकपाल सेंट्रल लेवल, ये दो डिफरेंस आपको मैंने बता दी। और जो ये लोकपाल होते हैं, द सेलेक्टिंग ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ लोकपाल, मतलब लोकपाल एक टीम के साथ काम करता है, तो लोकपाल कौन होगा या लोकपाल की टीम में कौन होंगे उसका सिलेक्शन कौन कौन करता है, हम इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दे रहे हैं। लोकपाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए, तो लोकपाल के सिलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर और अ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाई CJI एंड एन एमिनेंट जूरिस्ट to be nominated by President of India। तो ये लोग लोकपाल सिलेक्शन कमेटी के हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर CJI ने किसी को अगर रिकमेंड किया हो, और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने ये स्टडी पॉइंट की बात कुछ आपसे कर ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड अपॉइंटमेंट की। BCCI के ऊपर गाज पूरी तरह से गिरी हुई है, BCCI का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, और इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल रवि जो हैं ये थर्ड मेंबर अपॉइंट हुए हैं COA के। अब ये COA क्या होता है, आइए उसकी हम बात करते हैं, पहले नाम आपको फोकस करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोड़गे एज द थर्ड मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। तो COA का मतलब होता है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर फॉर BCCI। तो BCCI के लिए एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनेगी जिसमें टोटल 4 मेंबर होंगे। तो उन 4 मेंबर में से एक मेंबर अपॉइंट हुए हैं मिस्टर रवि थोड़गे, और ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं हमारे आर्मी में। तो रवि थोड़गे नाम आपको लर्न करना है। देख लीजिए आगे क्या बोला गया, In 2017, the Apex Court had appointed 4-member CAO headed by former Comptroller and Auditor General of India, CAG विनोद राय। तो उस समय पर विनोद राय थे CAG के, जो CAG हमारे होते हैं वो थे। तो एक उनके अंडर में 4-member कमेटी बनी थी जिसे आप COA बोलते हैं। तो उसमें से एक मेंबर अपॉइंट हुए हैं रवि थोड़गे, तो बाकी के और रेस्ट मेंबर कौन है हम उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन आगे दे रहे हैं। देखें यहाँ पर, The other 3 member of the COA were former Indian woman cricketer captain, इनका नाम है डायना एडुलजी, रामचंद्र गुहा, ये एक राइटर हैं, विक्रम लिमाय, आप इनका नाम सुने होंगे, NSC के ये हेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 3 मेंबर और चौथे मेंबर कौन हो चुके हैं, तो चौथे मेंबर हमारे रवि थोड़गे जी हो चुके हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं आर्मी में। तो ये पॉइंट की इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, आई होप कि आपको ये चारों नाम याद रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए यहाँ पे, तो हम BCCI की बात कर रहे हैं, तो BCCI के बारे में अगर बात करें तो देखिए प्रेसिडेंट कौन है, CK खन्ना, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, राहुल जौहरी हैं, वुमेन्स कोच कौन है, WV रमन है, और मेंस कोच कौन है, रवि शास्त्री हैं, फाउंडेड 1928। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम में है। तो ये भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात ICC कर लें यहाँ पर। तो ICC की बात करें तो चेयरपर्सन कौन है, शशांक मनोहर, CEO कौन है, तो अभी राइट नाउ डेव रिचर्डसन है, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड कप मनु स्वानी जो है वो रिप्लेस कर देंगे इनको। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है और ये 1909 में फाउंड किया गया था ICC। तो हमने BCCI की बात भी कर ली और ICC की बात भी आपसे कर ली है। आगे बढ़ते हुए आपको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन देंगे। तो CAG आप लोग जानते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी एक्सपेंडिचर करती है या जहां से भी इनकम आती है, अब चाहे वो नेशनल लेवल की बात हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की बात हो, फॉर एग्जाम्पल CAG ने राफेल डील को भी ऑडिट किया ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल एक्सपेंडिचर इंटरनेशनल एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है हमारा CAG। आइए उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए,
सबसे पहले हम थोड़ी बात करेंगे. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148. तो ये पॉलिटी का न्यूज आपको मैं दे रहा हूँ. तो आर्टिकल 148 में ये बोला गया है कि हमारे देश में कैग होना चाहिए. तो इस एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो आर्टिकल 148 आपको लर्न करना है. कैग क्या वर्क करता है ये मैंने आपको बता दिया. और अगर राइट नाउ हमारे कैग कौन है तो मिस्टर राजीव महर्षि जो है ये कैग हैं इस समय हमारे. ठीक. और इनका टाइम पीरियड कितना होता है, किसी भी जो कैग होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है, तो यहाँ पर देख लें, या तो 6 ईयर या तो 65 ईयर ऑफ एज मैक्सिमम. तो उसकी बात हम यहाँ पे आपसे कर रहे थे. तो कैग की बात हमने कर ली, आर्टिकल की बात हमने कर ली, हु इज राइट नाउ कैग हमने इसकी बात कर ली, और टेन्योर की बात कर ली. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट में नेक्स्ट पॉइंट की अपने. और यहाँ पर डीके जैन की बात हो रही है. तो डीके जैन अपॉइंटेड एज बीसीसीआई ऑम्बुड्समैन. तो डीके जैन को बीसीसीआई लोकपाल नियुक्त किया गया है. अभी कुछ देर पहले ही हम लोग लोकपाल और लोकायुक्त के बीच में डिफरेंस समझ रहे थे, है ना. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड रिटायर्ड जज ऑफ द कोर्ट जस्टिस डीके जैन एज द फर्स्ट बीसीसीआई ऑम्बुड्समैन. तो डीके जैन को बीसीसीआई का पहला ऑम्बुड्समैन अपॉइंट किया गया है. ये क्या क्या काम करेंगे हम, ये पूरे बीसीसीआई में जो भी करप्शन हुआ, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग हुई, कैसे कैसे बीसीसीआई का स्ट्रक्चर है, कौन कौन लोग, आपने देखा होगा कि हर एक पॉलिटिशियन बीसीसीआई में किसी ना किसी पोस्ट पर जरूर होता है, है ना. तो कौन कौन बीसीसीआई में किस पोस्ट पर है, किसने मिसयूज किया, ये सारी इंफॉर्मेशन लेंगे. और सबसे पहले इनका काम क्या होगा वो भी दिखाएंगे आपको. चलिए, ही वॉज अपॉइंटेड अंडर द न्यू बीसीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड ऑन अगस्त 9, 2018. देखिए सबसे पहला इनका काम क्या होगा, ऑन ऑफ हिज फर्स्ट जॉब वुड बी लुक इन टू एलिगेशन ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट अगेंस्ट बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी. तो राहुल जौहरी के खिलाफ यौन शोषण के जो मामले सामने आए हैं, सबसे पहले ये उसकी जांच करेंगे. तो इनका नाम क्या है फिर से एक बार देख लें, इनका नाम है जस्टिस डीके जैन. ये क्या बने हैं, बीसीसीआई के फर्स्ट ऑम्बुड्समैन बने हैं. सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद इनको बनाया गया है. ठीक है, फिर देख लीजिए, सबसे पहला इनका काम होगा राहुल जौहरी के खिलाफ जांच करना, जो कि बीसीसीआई के सीईओ भी हैं. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपसे. इंडिया के ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स की एक लिस्ट आपको दे रहे हैं जो राइट नाउ अभी वर्क कर रहे हैं. तो तारापुर कहाँ पे है, कैगा कहाँ पे है, ककरापुर, मद्रास, राजस्थान, तारापुर, कुंडनकुलम. तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, कितना ये मेगावाट की बिजली पैदा करते हैं, और इनका कमर्शियल ऑपरेशन किस ईयर में शुरू हुआ था, हमने ये भी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दी है. तो आपको क्या पढ़ना है, आपको ये चीज़ पढ़नी है और ये चीज़ पढ़नी है कि जो ये हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं ये किस स्टेट में हैं और किस ईयर में ये कमर्शलाइज्ड हुए थे. तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है एक्स्ट्रा. चलिए आगे बढ़ते हुए अवार्ड और ऑनर की बात करेंगे. हम इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सियोल पीस प्राइज 2018 का मिला है, और ये 14th रिसिपियंट हैं इस अवार्ड के. तो ये 14वें अवार्ड पाने वाले शख्स हैं, इसके बारे में भी आपको हमने बता दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द प्रेस्टिजियस सियोल पीस प्राइज फॉर 2018. तो सियोल प्राइज 2018 इनको मिला है. ठीक, क्यों मिला है, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड फोस्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ. इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, सियोल पीस प्राइज. उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी. देखिए, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाई द सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन एट अ ग्रांड सेरेमनी. ठीक है, तो सियोल पीस प्राइस के फाउंडेशन एक है, तो वो ये अवार्ड देता है. ये हालांकि आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं ये सब चीज़. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आपको बताते हैं, देखिए इस आयोजन में प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर एक शॉर्ट मूवी बनी थी, वो भी दिखाई गई, और मैंने आपसे बोला था ही इज़ द 14th रेसिपियंट ऑफ द अवार्ड. ये पॉइंट आपको लर्न करना है, यानी कि सियोल प्राइस किसको मिला 18 का, तो नरेंद्र मोदी जी को मिला. क्यों मिला, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मिला. 14th रेसिपियंट ऑफ द अवार्डी हैं ये, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना है. इतने पॉइंट आपको पढ़ने हैं बस. ठीक है, तो आगे बढ़ें. तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी गए कहाँ पे, कोरिया. तो इंडिया और कोरिया के बीच में कुछ एग्रीमेंट और पैक्ट भी साइन हुए हैं, उसकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर. देखिए, तो MOU ऑन रिलीज ऑफ कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प ऑन क्वीन हुर. तो रानी हुर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है. सेकेंड, MOU ऑन एक्सटेंशन ऑफ कोरिया प्लस. कोरिया प्लस का मतलब क्या है, कोरिया प्लस एक ऐसा वे है जिसके थ्रू कोरियन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, तो इसको आगे बढ़ाने का, कोरियन कंपनी को और इंडिया में बिजनेस करने को अलाउ करने के लिए कोरिया प्लस बनाया गया था. ठीक है, आगे देखें.
MOU on startup cooperation. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ने स्टार्टअप को कॉपरेट स्टार्टअप को इंक्रीज करने के लिए अभी राइट नाउ किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया, तो आपको साउथ कोरिया का नाम याद करना पड़ेगा। यानी कि तीन एग्रीमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए और भी एग्रीमेंट हमारे पास हैं। तो कोरियन नेशनल पुलिस एजेंसी और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स ऑन कम्बेटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम एंड डेवलपिंग पुलिस कॉपरेशन। तो इंडिया और कोरिया के बीच में पुलिस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो एग्रीमेंट और हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिक्स एग्रीमेंट की बात हमने यहाँ पर कर ली है। तो इंडिया और कोरिया के बीच में सिक्स एग्रीमेंट साइन हुए हैं, आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी कोरिया गए, उन्हें वो अवार्ड मिला, 14th रेसिपिएंट थे, ठीक है। लेकिन इंडिया और कोरिया के बीच में सिक्स एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो काफ़ी प्राउड का विषय है हमारे लिए, ये हमने आपसे बोला ही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नरेंद्र मोदी जी अब गए सियोल तो क्या क्या हुआ, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमको आपको दी है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े तो मैंने आपसे बोला था कि लिस्ट ऑफ ऑल सियोल पीस प्राइज विनर्स भी आपको हम दिखाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी चौथे नंबर पे हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि पहला रेसिपिएंट कौन था या फिर नरेंद्र मोदी से पहले का रेसिपिएंट कौन था, ये दो पॉइंट और बन सकते हैं थोड़े डीप में। तो आपको पहला और 2016 का डेनिस मुकाबले का नाम याद रखना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि नरेंद्र मोदी जी से पहले किसको ये अवार्ड मिला था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने यहां पर आ चुका है। देखिए अब यहाँ पर क्या बात हुई है कि प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट फोर ऑर्डिनेंस। तो राष्ट्रपति ने चार अध्यादेशों की घोषणा कर दी है, मतलब इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया है। अब ये चार ऑर्डिनेंस कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट आपको हम यहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रोमुलगेट फोर ऑर्डिनेंस ऑन 21 फरवरी। तो चार ये ऑर्डिनेंस कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला ऑर्डिनेंस मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज, सेकेंड ऑर्डिनेंस। तो मुस्लिम वुमेन के लिए जो कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, तो ट्रिपल तलाक से बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज सेकेंड ऑर्डिनेंस पास करा दिया गया। ये सेकेंड ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, 2018 में ऑलरेडी एक बार ये बिल पेश हो चुके हैं, फिर 2019 में फाइनली इनको लागू किया गया, इसलिए सेकेंड ऑर्डिनेंस हम बोलेंगे, ठीक है। तो पहला मुस्लिम वुमेन सेकेंड ऑर्डिनेंस, सेकेंड की बात करते हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस, ये हो गया। तीसरा कंपनीज अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस, और चौथा बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस। तो ये चार ऑर्डिनेंस जो हैं इन पर अध्यादेश लेकर आए हैं हमारे प्रेसिडेंट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे। इन चारों के नाम तो आपको लर्न करने ही करने हैं, अगर आप नाम भी लर्न करेंगे तो काफ़ी है, लेकिन इसके अंदर भी आपको पढ़ना है, तो उसके लिए भी हमारे PDF में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज सेकेंड ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि ट्रिपल तलाक पूरी तरह से इलीगल माना गया है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, बशर्ते ये जो कंप्लेन होगी या तो वो महिला करे या तो महिला का कोई ब्लड रिलेशन वाला पर्सन है वो करे, कोई बाहरी कंप्लेन नहीं कर सकता है, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट यहां पर यह बताया गया है, आपको हम दिखा दे रहे हैं यहां पर, देखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए यहां पर हम लेके आ रहे हैं, देखिए द इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस में यह बोला गया है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जो अपने से अपॉइंट हो जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इसमें सेंधमारी की है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका अपॉइंटमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हाथों में ले लिया है इस बिल के थ्रू। तो मेडिकल काउंसिल की हम बात यहां पे कर रहे थे, दूसरा बिल। तीसरे बिल की बात करें द कंपनीज अमेंडमेंट सेकंड ऑर्डिनेंस में भी ये बोला गया, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को हर जगह पेनिट्रेट कर लिया है, हर जगह वो घुस गई है, मतलब कि जो इनका ट्रिब्यूनल होता था पहले कॉर्पोरेट एजेंसीज का कि कौन हेड बनेगा फिक्की का, कौन क्या बनेगा, और ये इनका फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या इनको दिखाना है, ये सब अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगा, ये तीसरा पॉइंट। और चौथी बात करें द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, हमारे देश में बहुत सारी चिटफंड कंपनीज होती हैं, निधि कंपनीज होती हैं जो स्टेट लेवल पे वर्क करती हैं, जिनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं ये बेचारे पैसे लगाते हैं और ये कंपनी भाग जाती है, अक्सर फ्रॉड कर देती हैं, तो इन कंपनी में जमा करना पैसा इलीगल माना जाएगा, कंपनी को भी इलीगल माना जाएगा, ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो ये चार ऑर्डिनेंस पे अध्यादेश लेकर हमारे प्रेजेंट आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको हम सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक लिस्ट यहां पर दे रहे हैं कि किसकी इतनी सैलरी होती है। तो प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख पर मंथ है, वाइस प्रेसिडेंट 4 लाख पर मंथ, प्राइम मिनिस्टर 1,60,000 पर मंथ, गवर्नर 3,50,000,
चीफ जस्टिस 2,80,000 पर मंथ की सैलरी है, और अगर आगे हम बात करें तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी है 2,50,000 पर मंथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2,50,000 पर मंथ, एंड कैग की कैग का हमारा सैलरी क्या है 2,50,000। तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी भी आपको हमने यहाँ पर दिखा दी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की सैलरी लास्ट ईयर के बजट में इंक्रीज की गई थी, तो वो इंक्रीज वाली सैलरी आपको हम यहाँ पे दिखा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और वेस्ट टू वंडर पार्क की हम बात करते हैं। तो अगर हम दिल्ली की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें, तो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो भी वेस्ट होता है, जो भी कूड़े कचरे होते हैं, उससे एक पार्क बनाया है, और इस पार्क में हमारे देश के, हमारे पूरे वर्ल्ड के 7th वंडर की एक एक कहते हैं ना बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर आपको इमेज में राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, तो राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया होगा डेफिनेटली। देखिए, द यूनियन होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द वेस्ट टू वंडर पार्क अंडर द साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन न्यू दिल्ली। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये वेस्ट टू वंडर पार्क का इनॉग्रेशन किसने किया, तो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने किया, ये इन्फॉर्मेशन। इस पार्क को किसने बनाया, तो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये पार्क को डेवलप किया है, ठीक है। राजनाथ सिंह की बात करें तो इन्होंने ये भी बोला कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग में ये जो SDMC है, मतलब कि साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसने अपनी रैंक को 202 से अच्छा करके 32 कर लिया है। तो इन्होंने अप्रेज भी किया इसको, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट केवल भावनाओं को समझने वाली बात है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये पॉइंट हमने दिखाया आपको, अगर आगे बढ़े देखिए तो सम ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द पार्क इज 7 वंडर्स पार्क आर द डिफरेंट साइज टॉल रिप्लिका ऑफ ताजमहल, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एटसेट्रा। मतलब कि इसमें 7 वंडर्स की मैंने बोला था ना कि रिप्लिका भी यहाँ पर है। तो ये 7 वंडर्स पूरे वर्ल्ड के क्या हैं, क्या आपको पता है 7 वंडर, तो आपको हमने इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी है। जैसे अगर हम बात करें तो चाइचेन इट्जा जो कि एक पिरामिड है मैक्सिको में, या माचू पिचू की बात करें तो ये पेरू में है, ताजमहल की बात करें तो आगरा में है, क्रिस्ट द रिडीमर की बात करें तो ब्राज़ील रियो डी जनेरो है। ये 7 के लिस्ट आप नाम लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद द कोलोजियम है रोम इटली में, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, और यहाँ पे पिट्रा है जॉर्डन में, ठीक है। तो ये हमने आपको लिस्ट दी है 7 वंडर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो बच्चियां हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, हम उसकी बात यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च अ स्कीम फॉर गर्ल्स ऑन 21 फरवरी। तो गर्ल्स के लिए एक स्कीम लॉन्च हुई है, वो गर्ल्स जिनकी एज 11 टू 14 ईयर्स के बीच में है, और हु हैव लेफ्ट स्टडीड एंड विल टेक स्टेप फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड स्पेशल केयर ऑफ देम। तो ऐसी बच्चियां जिनकी एज 11 टू 14 ईयर्स के बीच में है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, तो गवर्नमेंट इनकी पढ़ाई से लेकर इनका न्यूट्रिशन और स्पेशल केयर तक सब कुछ देखेगी। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है उत्तर प्रदेश में बच्चियों के लिए जिनकी एज 11 से 14 साल के बीच में है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, 11 टू 14 ईयर, ठीक। और क्या बोला गया है, द स्टेट विल ऑल्सो ऑब्जर्व गर्ल डे ऑन 8th ऑफ एवरी मंथ एट द आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट। तो पूरे स्टेट में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहां पे हर महीने की 8 तारीख को गर्ल्स डे ऑब्जर्व किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको उत्तर प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट की बात करेंगे। तो कैपिटल लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर राम नाइक जी हैं, चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी हैं, उसके बाद एरिया पॉपुलेशन, मतलब ये स्टैटिक पॉइंट हमने थोड़े डीप में दिए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, ये सब इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर। उसके बाद स्टेट स्पोर्ट क्या है, तो फील्ड हॉकी हमारे स्टेट का ये गेम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, तो मेंबर्स ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो 100 लोग यहाँ से आते हैं। क्रॉप्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, हैंडीक्राफ्ट मेन इंडस्ट्रीज देखिए, रिवर फोक डांस यहाँ पे यूपी का अलग से दिया हुआ है, ठीक है। रिवर कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको हमने इस यहाँ पे दिखाया हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, एक है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, और एक है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, ठीक है। 2 एयरपोर्ट हैं। चलिए तो ये हमारी न्यूज़ थी, हमने आपको दे दी। आगे स्पोर्ट्स पे बढ़ते हैं, तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो है उसकी शुरुआत हमारे इंडिया में शुरू हो चुकी है। देखिए तो ISSF वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, देखिए द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2019 बिगन इन न्यू दिल्ली।
तो न्यू दिल्ली में ये ISSF वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है, ये दिल्ली में, ये आपको ध्यान देना है, 21 फरवरी से शुरुआत हो चुकी है, ठीक। और वेरियस इवेंट इन द वर्ल्ड कप विल स्टार्ट फ्रॉम फरवरी 23rd एंड इन टू 27th एट द डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। तो प्रॉपर 23rd फरवरी से इवेंट शुरू हो जाएगा जो कि 27 तक चलेगा, और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज जो दिल्ली में है वहां पर ये स्पोर्ट्स इवेंट होगा। तो ये भी आपको पता चल गया कि डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज कहां पे है, न्यू दिल्ली में है, यहां पर ISSF वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। इतना अवंट आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो 58 कंट्रीज से अराउंड 503 शूटर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया में आए हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2019 कहां पे शुरू हुआ, दिल्ली में। दिल्ली में किस शूटिंग रेंज में, तो दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में ये शुरू हुआ है। 58 कंट्रीज से एथलीट आए हैं यहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्या आपको पता है कि ISSF का हेडक्वार्टर कहां पे है? अगर पता हो जरा कमेंट करें मुझे किसका हेडक्वार्टर। यहां पे शमी अख्तर बोल रहे हैं कि जर्मनी में है। चलिए और देखते हैं यहां पे क्या क्या पॉइंट है। देखिए क्या हुआ, किसको ब्लॉक करना था, चलिए कोई बात, अरे सब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ISSF क्या है उसके बारे में थोड़ी बात कर ले। देखिए तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, म्यूनिक जर्मनी में है। जर्मनी में तो है, जर्मनी में कहां पे है, म्यूनिक में है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। पाक को नहीं आने दिया तो चलो ठीक है, पाकिस्तान यही करता है डिजर्व, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, वाल्दामिर लिसेन इसके प्रेसिडेंट हैं। तो हम ISSF की बात कर रहे थे, म्यूनिक याद करना जरूरी है। जी हाँ, लिसाने नहीं है बेटा, रवि कुमार, रवि इनके नाम में ही नाम रवि है, इनके अंदर बहुत तेज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि आप भूल चुके होंगे मुझे पता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक रिवीजन आपको हम करा दे रहे हैं। मेन सिंगल और वुमेन सिंगल नाम तो याद कर ही लेना आपको, तो नोवाक जोकोविक और नाओमी ओसाका को नाम याद कर लो, ये मेन सिंगल और वुमेन सिंगल है, ये विनर है, इनको देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है देखते हैं, चलिए याद कर लीजिएगा इसे, आप भूल गए होंगे मुझे पक्का पता है। चलिए, नरेंद्र मोदी जी जब गए साउथ कोरिया तो वहां पर इंडिया कोरिया स्टार्टअप हब को लॉन्च किया गया। तो इंडिया कोरिया स्टार्टअप हब को लॉन्च किया गया, उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दे दें। MOU में मैंने आपको बताया था कि कोरिया प्लस को एक्सटेंशन देने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। तो बेसिकली ये कोरिया हब वाली बात है कि कोरिया प्लस वाली बात है, कोरियन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट देने के और मौके इंडिया देगा कोरिया को, यही बात बोला नरेंद्र मोदी जी ने। बोला कि हमारे देश में जो FDI है 90% FDI ऑटोमेटिक रूट से आती है। मतलब ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि यहां पर आपको केवल RBI से अप्रूवल लेना पड़ता है, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यही बात हो रही है। तो देखिए इंडिया कोरिया स्टार्टअप ये कहां पर हुआ, सियोल में हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया, इसकी इंफॉर्मेशन। तो नरेंद्र मोदी जी ने कोरियन कंपनी को इसके लिए इन्वाइट किया इंडिया में बिजनेस करने के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो और देखिए, इंडिया हैज बिकम द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड एज सेड बाय PM मोदी ड्यूरिंग द लॉन्च, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, किसने लॉन्च किया, कहां पे लॉन्च हुआ, ये दो पॉइंट ही पढ़िएगा आप, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आपको। तो हम भी आगे बढ़ते रहे। साउथ कोरिया वर्ल्ड मैप में कहां पे एग्जिस्ट करता है, ये इंफॉर्मेशन आप यहां पे देख पा रहे हैं। और अगर साउथ कोरिया के स्टडी पॉइंट की बात करें तो कैपिटल सियोल है, करेंसी क्या है, वॉन है, और मून जाइन, ये मत पढ़ना जी, मून जाइन प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं, चलिए आगे बढ़े और बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। देखिए आप लोग को मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी एज को जी चुका हूँ, तो मुझे पता है ना कि स्टूडेंट एक टाइम पे क्या क्या काम करता है। चाइना अनवील्ड फर्स्ट फीमेल AI मतलब आर्टिफिशियल एंकर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो चाइना स्टेट रन न्यूज एजेंसी, इनका नाम क्या है, इनका नाम है शिनहुआ, अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू एंकर। और इस एंकर का नाम क्या होगा, इस एंकर का नाम है शिन शियाओमिंग। इस एंकर का नाम है टू रीड अलोंगसाइड इट्स मेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज प्रेजेंटर ऑन फरवरी 21, 2019। तो चाइना की बात करें, चाइना की न्यूज एजेंसी शिनहुआ ने एक आर्टिफिशियल एंकर को लॉन्च किया है जो कि फीमेल है, इसका नाम है शिन शियाओमिंग, जो कि अपने पार्टनर मेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर के साथ न्यूज को पढ़ेगी। तो ये मेल वाला बंदा कौन है, आइए उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। देखिए अर्लियर शिनहुआ आल्सो डेवलप, इनका नाम क्या है, इनका नाम है क्विन
देखिए यहाँ पर क्वीन हाउ, क्वीन हाउ द वर्ल्ड फर्स्ट मेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू एंकर एट द वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस इन वुजेन। तो अगर हम बात करते हैं नवंबर 2018 में चीन के वुजेन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पर पहले ही मेल एंकर को लॉन्च किया गया था। मेल एंकर का नाम क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इनका नाम है क्यू हाउ। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का नाम क्या है, फीमेल का नाम है शिन शियोमिंग। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो मेल और फीमेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर को लॉन्च करने वाला चाइना पहला देश हो गया है। दोनों एंकर के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, नाम आपको याद रखने हैं। और ये किसने लॉन्च किया, तो चाइना की न्यूज़ एजेंसी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम यहाँ पर देख लीजिए शिनहुआ है, इसने लॉन्च किया है। तो आइए और आपको इन्फॉर्मेशन हम दिखाते हैं, क्या क्या पॉइंट आपको और पढ़ने हैं। इट वॉज डेवलप्ड जॉइंटली बाई शिनहुआ एंड द सर्च इंजन सोगो। तो सोगो एक सर्च इंजन चाइना का है, इन्होंने मिलकर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर बनाए हैं, जो प्रॉपर हाथ माथ भी हिलाएंगे और जो पलक भी अपनी झपकेंगे एज अ लाइक नेचुरल एंकर की तरह। ठीक, तो आपको बस दोनों नाम याद रखने हैं और चाइना में ये लॉन्च हुआ ये नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए तो चाइना के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आपको दें, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रनमिनबी है, पार्टी जनरल सेक्रेटरी मतलब प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, ली केकियांग। तो ये पॉइंट हमने आपको दिखा दिया, आगे बढ़ते हैं और डिफेंस एक्सरसाइज की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें तो ईरान अनाउंस द 3-day नेवी ड्रिल। ईरान ने 3 दिन का एक नेवी ड्रिल करने की घोषणा की है। ईरान की बात करें, कॉन्टिन्यूस ईरान जो है ये डिफेंस में काफ़ी एक्टिव होकर काम कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ईरान ने लॉन्च किया है 3 दिन का एनुअल नेवी ड्रिल, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा विलायत 97। आपको बस यही नाम याद रखना है, विलायत 97। हालांकि और डीप में अगर इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है तो आप इस बात को समझिए कि ये कहां पर होगा। द ड्रिल विल बी हेल्ड इन द वाटर्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हॉर्मुज एक जगह है जो कि ओमान सी और नॉर्थ ऑफ द इंडियन ओशन पड़ता है, वहां पर होगा। तो बस ये आपको हॉर्मुज नाम याद रखना है, ज्यादा डीप में जाएगा क्वेश्चन तो और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। 3 दिन का नेवी ड्रिल है, इसका नाम क्या है, तो नाम आपको पता है विलायत 97 इसका नाम है। ठीक, इतना दो चीज में याद कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो आपको हम और भी इंफॉर्मेशन यहां पर देंगे। ईरान के बारे में थोड़ा स्टडी पॉइंट हमने आपको कई दिन से लगातार दे रहे हैं, आगे भी देंगे। तो ईरान का ये जो ऑब्जेक्टिव है कि मतलब अपने इक्विपमेंट की प्रैक्टिस करना, वेपन्स की प्रैक्टिस करना कि वो किस हाल में है, यहां पर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिया है कि ये कहां पर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी रियाल है, और प्रेसिडेंट हसन रूहानी जी हैं ईरान के। चलिए तो ये सारे पॉइंट हो गए, हम आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, तो इंडोनेशिया में फिर से खोजी गई दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी। वर्ल्ड लार्जेस्ट बी फ्लाइंग बुलडॉग, इसका नाम क्या है, फ्लाइंग बुलडॉग, वॉज रीडिस्कवर्ड इन अ रिमोट पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया इन द फर्स्ट साइटिंग इन नियरली 40 ईयर्स। तो 40 साल के बाद ये देखी गई है मधुमक्खी। इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मधुमक्खी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो एक ब्रिटेन के एक नेचुरलिस्ट थे, इनका नाम था अल्फ्रेड रशल, इन्होंने निकनेम दिया था फ्लाइंग बुलडॉग इसे, इन्होंने पहली बार देखा था फ्लाइंग बुलडॉग इंडोनेशिया। 40 साल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी देखी गई। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलियन रैट बिकम एक्सटेंट। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया चूहा जो है ये खत्म हो चुका है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब डायनासोर लोगों की विलुप्ति हुई थी तो सबसे पहला स्तनधारी जो था वो इन्हीं के वंशज थे, इन्हें बोला जाता है कि ये उनके वंशज थे, तो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिशियली लिस्टेड द इसका नाम है ब्रैम्बल केई मेलोसिस, इसके ये विलुप्त हो गया है, ऐसा ये बोल दिया उन्होंने, और लास्ट टाइम 2009 में से देखा गया था। तो इकोलॉजी के सारे क्वेश्चंस ये सारे हैं, सारे पॉइंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन अ मेजर बूस्ट, ये अब हमारे नेवी की बात हो रही है, तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा पॉइंट हमारा है। इन द मेजर बूस्ट फॉर द नेवी फायर पावर द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ मोर देन 100 हैवी वेट टॉर्पीडोज विच विल बी इक्विप्ड ऑन द 4-6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। मतलब कि मचगांव डॉकयार्ड में हमारे देश में जो स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बन रहे हैं, तो इनको जल्दी ही 100 हैवी वेट टॉर्पीडो से लॉन्च किया जाएगा, जो नेवी ने अप्रूवल दे दिया है। तो नेवी का अप्रूवल 100 हैवी वेट टॉर्पीडोज की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में लगाई जाएंगी, नेवी ने ऐसी घोषणा कर दी है। मे बी युद्ध हो जाए इंडिया पाकिस्तान का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको चौथी न्यूज़ दे रहे हैं यहाँ पर। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया 25 करोड़ रुपीज़ अनुदान दे रही है श्रीलंका को टू डेवलप
आईसीटी इनक्यूबेटर्स। ये आईसीटी का मतलब क्या होता है? तो आईसीटी का मतलब है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको आगे, देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या हुआ इसका कि इंडियन, जो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि श्रीलंका में एक इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स हो जो वहाँ के कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप को प्रमोट करेगा। तो एक सेंटर बनाया गया, तो इंडिया और श्रीलंका आईसीटी इंक्यूबेटर्स इन कहाँ पे? तो देखिए जाफना में, जाफना में ये बनाया जाएगा, जिसके लिए इंडिया ने 25 करोड़ रुपीस का अनुदान भी दिया है। ये पॉइंट याद कर लीजिए, चौथा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर। देखिए तो अजय सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हैज बीन सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फाउंडेशन बोर्ड ऑफ बेटर बॉक्सिंग ऑफ AIBA। तो अजय सिंह जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड हैं, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है फाउंडेशन बोर्ड फॉर बेटर बॉक्सिंग ऑफ AIBA। AIBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात यहां पर हो रही है। अजय सिंह याद कर लीजिएगा, इनकी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, तो 4 ईयर इनका टेन्योर होगा। अजय सिंह की बात हम कर रहे हैं, ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, पांचवी न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, केरला चीफ मिनिस्टर पी विजयन इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ह्यूमनाइट पुलिस रोबोट नेम्ड KP बोट रैंक्ड एज सब इंस्पेक्टर एट द पुलिस हेडक्वार्टर इन तिरुवनंतपुरम केरला। तो अगर हम बात करें पुलिस हेडक्वार्टर जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में है, वहां पर एक हमारे इंडिया का पहला ह्यूमनाइट पुलिस रोबोट की नियुक्ति की गई है एज SI रैंक, और इसका नाम क्या होगा? KP बोट। तो KP बोट नाम है, ये एक पुलिस SI है लेकिन रोबोट है, और फीमेल पावर, फीमेल एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए इसका जेंडर एज अ फीमेल रैंक किया गया है। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, नाम याद रखिए KP बोट। पी विजयन ने लॉन्च किया है, तिरुवनंतपुरम केरला के पुलिस हेडक्वार्टर में इनके सिटिंग होगी, और देख लीजिए आगे इनका इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। द रोबोट जेंडर इज डिक्लेयर्ड फीमेल, जो मैंने आपसे बोला यहाँ पे, ठीक। सॉरी गाइस, AC बंद कर दिया मुझे जरा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज has been ranked by the Top Employer Institute as Global Top Employer for the 4th year in a row. तो अगर बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, इसको लगातार चौथे वर्ष के लिए शीर्ष नियोक्ता संस्थान द्वारा वैश्विक शीर्ष नियोक्ता के रूप में स्थान दिया गया है। मतलब TCS only the among the top 10 IT services brand which has received this certificate. तो TCS सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली एक कंपनी बन चुकी है, और पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 IT कंपनीज में ये आती है जिसको सर्टिफिकेट ये मिला हुआ है। तो वो देख लीजिए, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हमने। आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन देंगे, एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात करेंगे। तो मेडिकल फेयर इंडिया 2019 बिगिन इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में ये एक इवेंट हुआ है, आठवीं न्यूज़ हमारी आज की, देख लीजिए। 3 दिन की है मेडिकल ट्रेड शो मेडिकल फेयर इंडिया, ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, दिल्ली आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये हमने आपको दी, और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है जो आपके सामने है। ठीक है, देखिए, तो देखिए न्यूज़ बड़ी होती है, लेकिन न्यूज़ बड़ी होने का मतलब ये होता है ना कि देखो न्यूज़ में तुमको मिल क्या रहा है। तो न्यूज़ में मिल ये रहा है कि सारे पॉइंट भी हम कवर करते जाते हैं और हम MCQs भी कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, देखिए। तो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के चरण 2 के माध्यम से वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर परियोजना से कितने मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए आंसर देखिए, इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका, ये आपको यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर आंसर क्या होगा, 40,000 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा ताकि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो व्हेन इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट होता है, आपको ये पढ़ाया ही गया है, क्या इसका आंसर होगा? यहाँ पे शिवम बेटा गलत है, 35 के कैसे बोल रहे हैं आप? एंड द आंसर इज 21 फरवरी। 21 फरवरी इज राइट आंसर, 21 फरवरी को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। द न्यू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 एम टू अचीव अ टर्न ओवर ऑफ हाउ मच बिलियन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाई 2025। तो 2025 तक कितने का मार्केट क्रिएट करना है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वॉट इज द आंसर, इसका आंसर क्या है, और हमें बने रहे तो आपको PDF यहाँ पर हम दे देंगे, PDF आपको डाउनलोड कर लेना है हमारे साथ, ठीक है।
चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 400 बिलियन, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कल ही पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं, है ना। चलिए आगे बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयू इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है, पेयू इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है, ये एक क्लास ऑन टैगलाइन एंड नोट, ठीक है टैगलाइन की हम बात कर लेंगे, एंड द आंसर इज अनिर्बन मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच कंट्री हैज अ मंथ लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ इंडिया बिगिन ऑन 19 फरवरी, तो किस देश में एक महीने का फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू हुआ। अब जो बच्चे ये कमेंट करते हैं कि मतलब काफ़ी लंबा है, तो मेरा क्वेश्चन उनसे है, इंडिया में नेपाल, इंडिया इंडिया के अम्बेसडर नेपाल में कौन है, मुझे ये भी बताइए, मैंने ये भी पढ़ाया था कल आपको, आंसर दे दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, नेपाल। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया में नेपाल के राजदूत कौन है, जरा मुझे बताएं क्या इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे आपके सामने, फॉर मैनी मैनी पीएसबी हैज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस द फाइनल रिकैपिटलाइजेशन ट्रांच अमाउंट ऑफ रुपीज 48,239 करोड़ ऑन 20th फरवरी, कितने बैंकों को, वॉट इज द आंसर। निलंबर आचार्य तो नेपाल के राजदूत है ना, मैं इंडिया के पूछ रहा हूं, देखो निलंबर अच्छे से बोल रहे हैं, इंडिया के अम्बेसडर टू नेपाल, वॉट इज द आंसर, निलंबर आचार्य मैं पूछ ही नहीं रहा हूं आप। हाँ यहाँ पे अब एक आंसर आया है, तो करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स की तरह ले, और देखिए जो एक एटीट्यूड होता है बच्चों का कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और मेरे पास बहुत मिल आती है कि सर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही कराएं करंट अफेयर्स, बेटा वो सब समय खत्म हो चुका, अब वो सब समय खत्म हो चुका है, आप जितनी न्यूज़ यहाँ पर देखते हो, मे भी कोई न्यूज़ पुरानी आती हो, देखो सब लोग अलग अलग न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, तो किसी न्यूज़पेपर में आज एक न्यूज़ आई, किसी में कल आई, ऐसा होता है, तो एक दो न्यूज़ आगे पीछे होती रहती है। लेकिन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ रिवीजन की हम बात करें, तो मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं, और अगर इससे ज़्यादा न्यूज़ कहीं भी आपको मिलती है तो आप यहाँ मत पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत न्यूज़ मैं देता हूँ यहाँ पर, बहुत सारी न्यूज़, तो ये मेरी गारंटी है कि जितनी न्यूज आपको यहां पर मिल जाएगी, मतलब कम से कम 20 पॉइंट आपको हम देते हैं, 20 पॉइंट 28 पॉइंट डेली, और उसमें स्टडी पॉइंट भी कराते हैं, बहुत सारी चीज कराते हैं, बेटा हम भर भर के न्यूज देते हैं ताकि आप पढ़ें, और इसको आप ज्यादा मत समझे कि ये ज्यादा हो रहा है, वरना ये आपके लिए, हम ये आपके लिए कह रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड बाई हाउ मच परसेंट टू 33.49 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर इन द करेंट फिस्कल, व्हाट इज द आंसर। तो न्यूज की बात करें बेटा, तो न्यूज हमारे से जितना न्यूज कहीं नहीं मिलेगा, अब वो लंबा होता है, तो अब यार हम तो इंटरटेन करने आए नहीं है, बोरिंग होता है, तो मैं क्या करूं उसमें, ना मैं शाहरुख खान हूं, ना मैं सलमान खान हूं कि मैं कोई डायलॉग या फिर डांस वांस कर सकता हूं, है ना। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 7%, 7% इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, डेली आपके 20 MCQs में आपको दो क्वेश्चन नए मिल जाते हैं, अगर आप मंडे को हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन देखते हैं तो आपको वहां भी नए पॉइंट मिल जाते हैं, मिलते हैं जरूर, तो करंट अफेयर्स में हम सब कुछ कवर करते हैं, बस आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी हमारी। चलिए तो किस राज्य में भारतीय प्राणी संरक्षण के वैज्ञानिक, हाँ देखो ये नया क्वेश्चन मिल गया, इन विच स्टेट हैव द साइंटिस्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड अ रेयर फ्रॉग, इसका नाम क्या है, मेगोफ्रीस पचीप्रोक्टस फ्रॉम द टाले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पर, What is the answer? And the answer is option number 1, Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh में नया मेढक की प्रजाति मिली, नाम आपको यहाँ पे दिखाया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ एंजल टैक्स एग्जेम्पशन 2 रुपीज हाउ मच करोड़ इन फरवरी, तो एंजल टैक्स छूट के लिए निवेश की सीमा बढ़ाकर कितना करोड़ रुपए कर दिया गया। देखिए ये स्टार्टअप के लिए, मैंने आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट में स्टार्टअप को क्या क्या ढील मिली उसके बारे में बात की थी, तो एक पॉइंट शायद मुझसे मिस हो गया था, अब वो पॉइंट मैं यहाँ पे कवर कर ले रहा हूं। किसी स्टार्टअप में अगर कोई बंदा पैसा लगाता है तो वो जस्ट लाइक एंजल होता है हमारे लिए, अगर मेरे बिजनेस में आप पैसे लगाओगे तो मेरे लिए आप एंजल हो, मसीहा हो। तो पहले लिमिट थी कि अगर एंजल मतलब कोई पैसा लगाता है यू हैव टू पे टैक्स, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है कि अगर आप मेरे बिजनेस में 25 करोड़ रुपए लगाते हैं तब तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 25 करोड़। तो 25 करोड़ रुपीज तक आप हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप टैक्स से बचे रहोगे,
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. वेयर हैज अटक्कल पोंगल फेस्टिवल बिगिन ऑन 20 फरवरी. तो कल आपको पढ़ाया गया था ये पोंगल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम केरला इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर होने वाला है, देखिए, सऊदी अरेबिया साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस ऑन 20 फरवरी. इट हैज बिकम द विच नंबर ऑफ कंट्री, अर्जेंटीना 72 नंबर ऑफ कंट्री, सऊदी अरेबिया 73 नंबर कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर एलियंस. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पर देखिए, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज रिलीज्ड सेकेंड एडिशन ऑफ स्टार्टअप रैंकिंग फॉर 2019. ये भी नई न्यूज देखिए. The ranking framework 2019 comprises of how many pillars and 30 action plan. तो क्या बोला गया है, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Department for Promotion of Industry and Internal Trade ने second edition निकाला है startup ranking का. इसमें कितने pillars पे ranking की जाएगी, like parameter. तो अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें 7 पिलर पे रैंकिंग होगी स्टार्टअप की और 30 पॉइंट्स पर रैंकिंग होगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इंडियन एशियन एक्सपो समिट दिल्ली में हुआ, मैंने आपको पढ़ाया था. तो ये कौन सा एडिशन है, ये आपसे पूछा गया था, और अगर आप लोग गलत नहीं है तो ये चौथा एडिशन था, याद करिए. आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो वेयर वॉज एरो इंडिया 2019 इनॉग्रेटेड बाई द डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. हम सबको पता है कि एरो इंडिया जो है ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ आपका बेंगलुरु में. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इन विच स्टेट डिड साध्वी निरंजन ज्योति इनॉग्रेट सिकारिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड. तो हमें पता है कि ये किस स्टेट का पहला फूड पार्क है. कल मैंने आपको पूरी लिस्ट भी दी थी. इसका आंसर क्या होगा, त्रिपुरा. त्रिपुरा इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लॉन्च ODB. ODB क्या होता है जी, कल मैंने पढ़ाया था 20 फरवरी, टू प्रोवाइड बेटर डिजिटल एजुकेशन इन स्कूल. वॉट डस ओ स्टैंड फॉर इन ODB? तो याद करिए क्या है, डी का मतलब डिजिटल है, बी का मतलब बोर्ड है, और ओ का मतलब क्या था, ऑपरेशन था, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड. ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. Which country became the 72nd country to sign the framework agreement of the International Solar Alliance? तो अभी हम बात कर ही रहे थे इसका, और इसका आंसर आप लोग को पता ही है, इसका आंसर है अर्जेंटीना. अर्जेंटीना इज राइट आंसर गाइस. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की. Which of the following was launched by Suresh Prabhu on 19 February? To bring together the key stakeholders within the Indian entrepreneurial ecosystem to GEM. GEM, देख लो, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था क्या लॉन्च किया गया है. तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा SWAYT, स्वायत्त. ठीक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ये पढ़ाया गया आपको. ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना लॉन्च बाय नीतीश कुमार फैसिलिटेट द अमाउंट ऑफ रुपीज दिस अमाउंट मंथली पेंशन फॉर ऑल इन बिहार अबव द एज ऑफ 16. तो जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम नीतीश कुमार, इन्होंने मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना शुरू की है. 60 साल से ऊपर कोई अगर वृद्ध पर्सन है, किसी भी धर्म जाति समुदाय का है, उसे इतना रुपया पर मंथ पेंशन मिलेगा. एंड द आंसर इज 400 रुपीज़. 400 रुपीज़ आपको ये पढ़ाया गया है एक्स्ट्रा हाईलाइट में. आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो हाउ मैनी कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द एशिया पैसिफिक रीजन लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड बींग हेल्ड इन थाईलैंड. तो हमको ये पता है कि कोबरा गोल्ड थाईलैंड में होता है, तो इस बार के डिफेंस एक्सरसाइज में कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ये आपसे पूछा गया है. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है. तो गाइज ये था हमारा करंट अफेयर शो, जहां पर हमने MCQs की बात की, जहां पर हमने एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात की, और जहां पर हमने आपको प्रॉपर न्यूज भी पढ़ाई. तो हम आपसे मिलेंगे मंडे को अपने करंट अफेयर्स रिवीजन के साथ. तो आपके लिए एक चैलेंज है कि आप इसे पूरा पढ़ें, और शाम को 5 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रॉपर क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं. तो आज हमारा करंट अफेयर्स और मिक्स बैग के क्वेश्चंस होंगे. तो ये मैं आपको 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स कराऊंगा, ये मेरा वादा है. आज नहीं कराऊंगा 1000, पार्ट बाई पार्ट कराऊंगा. तो उसमें भी आपको आना है फॉर करंट अफेयर रिविजन. ठीक, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे इवनिंग में 5 o'clock पे. तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, हमेशा मोटिवेट रहिए, अच्छा काम करिए, और अच्छे लोगों के साथ रहिए. एक बात कभी मत भूलिएगा कि आपके साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए हैं, और आपको इस पे खरा उतरना है. आपके फ्यूचर की बात है, और आपको ये दुनिया को दिखला देना है कि आपके अंदर क्या बात है जो अभी तक आप दिखा नहीं पाए हो.
तो कब तक हम दबे रहेंगे, कब तक हम दूसरों को फॉलो करके खुश रहेंगे और कब तक हम दूसरों के लिए क्लैपिंग करेंगे? हम कुछ ऐसा करेंगे जिसपे हमारा नाम होगा। हमारा कॉम्पिटिशन खुद हमसे है, हमारा कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं है। हमारे अंदर इतनी एबिलिटीज है कि मतलब हम किसी को देख के ये देखते हैं कि यार ये कितना बंदा करता है। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि यार मैं उससे जलूं और मैं उससे ज्यादा करूं। जलन की भावना हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये भावना नहीं रही ना, तो आप हमेशा लूजर बने रहेंगे। ये मैं आपसे बता रहा हूं, अगर आप जलोगे नहीं ना, तो आप हमेशा लूजर रहोगे, हमेशा फॉलोअर रहोगे। और अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड होगा ना कि मैं क्यों नहीं, जहां पर वो बंदा है मैं क्यों नहीं हूं, ये जिस दिन एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा ना, देखना आपके प्रदर्शन में कैसे निखार आता है। तो जलिए, ये गट्स रखिए अपने अंदर जलने का भी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं 5 o'clock पर।